सुप्रीम कोर्ट ने मुझे मौका नहीं दिया चुनाव लड़ने का, तो मेरे बड़े भाई अमर सिंह जी ने मुझे उस पद पे पहुंचा दिया जो राष्ट्रीय महासचिव का पद है, जो वो खुद थे। उन्होंने बोला कि दोनों भाई एक ही दर्जे पे खड़े रह के समाज की सेवा करेंगे। अमर सिंह जी ने जिस हिसाब से वो चुनाव लड़ा, उस गर्मी में अपने उनके गुर्दे काम नहीं कर रहे थे, उनका क्रिएटिन 10 पे था, पोटेशियम 7 पे था। मैंने हजारों टाइम उनसे कहा कि सर ऐसा मत कीजिए, उन्होंने कहा नहीं मैं पार्टी के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। तो मुझे भी बहुत दुख होता है कि अमर सिंह जी जैसे आदमी जो अपनी पार्टी के लिए उन्होंने जान दे दी, उनको खुद की पार्टी वाले लोगों ने दुख पहुँचाया है। राम गोपाल जी जैसे बड़े नेता हमारे दल के, जिनकी मैं इतनी इज्जत करता हूँ, उनका बयान है आज के ये फिल्म वालों से हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इन फिल्म वालों की वजह से हमको एक सीट भी नहीं मिली। फिल्म वाले लोग बहुत एक टची लोग होते हैं और आप सब ने देखा होगा कि किस हिसाब से इन चुनाव में मैंने काम किया पार्टी के लिए। और अगर राम गोपाल जी ये कह रहे हैं कि इनकी वजह से कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो मुझे बहुत दुख हुआ है और मेरा रेजिग्नेशन देने का मैं खुश हूँ कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। देखिए मैं पार्टी वर्कर हूँ, पार्टी के लिए काम करूँगा। जैसे अमर सिंह जी अभी तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिस दिन अमर सिंह जी ये डिसाइड करें कि वो ये पार्टी छोड़ेंगे, वो मेरे भाई हैं, जहाँ पे वो जाएंगे मैं वहाँ चला। अगर अमर सिंह जी मुझे बोलें कि बेटा तुम मेरे साथ चलो तो मैं चलूँगा, अगर वो कहे कि तुम एक्टिंग करो तो मैं खुश रहूँगा।